हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकता होम फूड्स। फ्रेंड्स, अगर आप करौंदे का अचार बार बार बनाते हैं और बार बार ख़राब जाता है तो ये वीडियो मेनली आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसी स्टाइल से करौंदे का अचार बनाना बताऊंगी जो आप चाहे जब तक रखें ये अचार नहीं ख़राब होगा। बस फ्रेंड्स, इसको जो जो मैं टिप्स बताऊँगी उस टिप्स से बनाएंगे और इसको हमेशा कांच के अचार में स्टोर करिएगा तो आपका ये करौंदे का अचार नहीं खराब होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, कभी ना खराब होने वाले करौंदे का अचार बनाने की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं करौंदे का अचार बनाना। फ्रेंड देखिए, मैंने करौंदा लिया, इसको मैंने धो के रख दिया था रात भर के लिए हवा में, ये अच्छे से सूख गए हैं। मैंने ये 200 ग्राम करौंदा लिया। फ्रेंड्स, मैंने मिर्ची ली, मिर्च को आप अपने स्वाद के अनुसार जितना भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके देखिए फ्रेंड्स, मैंने करौंदा लिया है, ये देखिए इसके ऊपर की ये जो डंडी होती है इसको हमने हटा दिया है, इसको बीज से दो टुकड़े में काट लिया है और देखिए जो इसके अंदर के बीज होते हैं वो हमने निकाल दिए हैं। इस तरह हमको सारे करौंदे कर लेने हैं और मिर्चों को ऐसे एक से दो बीज से फाड़ कर लेना। इस तरह चलिए हम अपने सारे और करौंदे और मिर्च को तैयार कर लेते हैं। फ्रेंड, ये देखिए हमने करौंदे और हरी मिर्चें काट ली। हरी मिर्च आप अपने जितना आपको डालना हो उतना डालिए, ना डालना हो तो आप हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, बट थोड़ी सी हरी मिर्च डालिएगा तो करौंदे का अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब फ्रेंड देखिए, हमने एक पैन में 2 से 2.5 टेबल स्पून ये हमने ले लिया है सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, यही ऑयल यूज़ करिएगा। फ्रेंड, जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें करौंदा डालेंगे, सिर्फ करौंदा डालेंगे, अभी मिर्च नहीं डालेंगे। फ्रेंड देखिए, हमने ऑयल गर्म होगा तो सारे करौंदे डाल दिए हैं। इसको खूब अच्छे से फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। फ्रेंड, इस तरह से करने से आपका करौंदे का अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, सालों तक रख सकते हैं। तो हमको खूब अच्छे से फ्राई करना है जिससे इसका सारा मॉइस्चर उड़ जाए, करौंदे खूब अच्छे से फ्राई हो जाए। और फ्रेंड, मैंने बीज इसलिए कहा था कि कोई तो लोग करौंदे में बीज छोड़ देते हैं, उससे क्या होता है, उससे भी जो है वो करौंदा का अचार ख़राब होने लगता है। देखिए फ्रेंड, इसमें बुलबुले उड़ने, इसका मतलब कि इसमें अभी हल्का मॉइस्चर है, ये अच्छे से करौंदे फ्राई हो जाएंगे, इसका मॉइस्चर पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो हमें तब तक इसको फ्राई करना है। अब फ्रेंड देखिए, करौंदे हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। फ्रेंड, करौंदा बहुत जल्दी गल जाता है। अब इसमें हम अपनी ये हरी मिर्च डाल देंगे और अब अभी इसके ऊपर फ्रेंड हम कुछ मसाले डालेंगे। देखिए, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। फ्रेंड, ये सब मसाले जो हैं, धनिया और सौंफ अगर आप फ्रेश पिसा लीजिएगा तो अच्छा लगेगा। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, लाल मिर्च नहीं डालेंगे जिससे कि क्योंकि तो फिर अमला हमने हरी लाल मिर्च डाली है। 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1.5 चम्मच सरसों पाउडर और फ्रेंड 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक और अब इन सबको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड देखिए, हमने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया, आप देख रहे हैं लाल हरा कितना बढ़िया हमारा लग रहा है। इसको बस फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट हम और भूनेंगे और फिर हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसको हम ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको जार में भरेंगे और फ्रेंड्स ये अचार तुरंत खाने के लिए हमारा तैयार है। और फ्रेंड देखिए, हमने गैस ऑफ कर दी है। फ्रेंड्स, इसका हम ठंडा होने का इंतजार करेंगे, इसको हम ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको ये जार में भर देंगे। तो फ्रेंड देखा हमने कितने बढ़िया से, कितने आसान तरीके ये अचार आप सालों साल तक रख के खा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।